अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप गाइस, बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आज एक और नए व्लॉग के साथ फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। सो गाइस, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट किया आपने। तो व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहा जाए और अपने जो आपके इवेंट्स होते हैं उनको स्टोर करके रखा जाए। सो फ्रेंड्स, आई स्टार्टेड व्लॉगिंग। सो आज एक और नए व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ फिर चल रहे हैं हम कलौची, और देखते हैं कलौची में विजिट करते हैं हम, और आपको भी साथ साथ दिखाएंगे और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे लास्ट में। तो फ्रेंड्स चलते हैं, और पहले लेट हो चुके हैं काफी, तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फ्रेंड्स, वी आर रेडी टू गो, तो अभी चलते हैं, वहीं चल के देखेंगे। चलें, लेट्स स्टार्ट। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. सो भाई, आप देख सकते हैं कि हम बस पहुंचने वाले हैं, फेज़ 8 में आ गए हम लोग, और डिफेंस फेज़ 8। और देख सकते हैं आपके मैप यूज़ कर रहा हूँ, और आई यूजली यूज़ मैप के, एक तो मुझे रास्ते याद नहीं रहते, और दूसरा मैं रास्ते में सिर्फ व्यू को जो है ना देखता हूँ, और बाकी रास्ते वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि दोनों चीज़ें अपना माइंड और अपना टाइम वेस्ट नहीं करता मैं रास्ते याद रखने पर। आपके पास गूगल मैप है, आप उसे यूज़ कीजिए, आप सिंपली अपनी लोकेशन पर और डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। तो रास्ता देख लें आप, रात के टाइम इस तरफ से आप ना ही जाएं तो बेहतर है। वैसे मैं दूसरा रास्ता यूज़ करता हूं, लेकिन आज ये रास्ता यूज़ किया क्योंकि टाइम कम था। सो फ्रेंड्स, रास्ता काफ़ी सुनसान है, और कोविड की वजह से ट्रैफिक रेशो भी बहुत कम हो चुका है, लेकिन अच्छा रास्ता है, साफ़ रास्ता है। लोगों के पास टाइम कम हो तो आप ये रास्ता यूज़ कर सकते हैं, बाकी इस तरफ क्योंकि हैवी ट्रैफिक वगैरह नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अब कलौची चल के ही मिलते हैं आपसे, आप व्लॉग को कंटिन्यू रखें और लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल जानना चाहते हैं और वहाँ की आप देखना चाहते हैं, व्यू देखना चाहते हैं कि किस तरह का है, और वहाँ आपको किस टाइप की डिशेस मिलेंगी, वो सारा आपको व्लॉग में दिखाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, वेट कीजिए और देखते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच के। ये बाहर से आप देख सकते हैं इसका व्यू, बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, और फिर अंदर चल के भी चेक करते हैं कि क्या सिस्टम है। सो आप व्लॉग को कंटिन्यू रखें और देखते रहें हमारे साथ। हाँ, तो भाई लोग पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ कलौची, और सर्दी काफ़ी हो रही है, सर्दी काफ़ी हो रही है, और मैं कुछ ऊपर पहनकर भी नहीं आया, जैकेट्स वगैरह, तो काफ़ी सर्दी है। तो आप लोगों ने आना हो और दिसंबर वगैरह में, तो आप जैकेट वगैरह लेकर आएँ। तो अभी चलते हैं अंदर जाके चेक करते हैं, गाड़ी पार्क कर दी हम लोगों ने, और अभी अंदर जाके चेक करते हैं और देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। अब लोगों को एक इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ, और देखें इसका लुक। और रात का टाइम हो रहा है, ये तकरीबन 9 बजे के करीब का टाइम है, 8:20 का टाइम हो रहा है तकरीबन। और लुक देखें आप, अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। और ये बिल्कुल आपके समंदर के ऊपर समझ लें आप, दो दरिया आपको कहते हैं इसको, दो दरिया के पास है ये, और दो दरिया के बिल्कुल साइड पे। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से लुक कैसा है इसका, और इसका टेस्ट भी करते हैं, खाने के टेस्ट कैसे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं।
तो फ्रेंड्स काफ़ी देर हो चुकी है, सो हमने सोचा पहले ऑर्डर कर लिया जाए। तो इट्स टाइम टू ऑर्डर समथिंग। कुछ ऑर्डर करने के बाद काफ़ी टाइम लगता है आपको ऑर्डर आने में, तो उसके बाद व्लॉगिंग करते हैं हम और पहले ऑर्डर कर लें। मैं मोस्टली वाइट कढ़ाई पसंद करता हूँ और क्लब सैंडविच, सो मैंने दोनों चीज़ें ऑर्डर कर ली हैं। ऑर्डर करते हैं उसके बाद चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सो फ्रेंड्स व्लॉग के साथ साथ स्टार्टर भी, सो स्टार्टर आ गया, स्टार्टर चेक करते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अपनी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने स्टार्टर ख़त्म ही किया था कि मैंने देखा सामने मुझे बोट नज़र आई और आई थिंक ये जाल वगैरह है और कुछ फिशेस वगैरह पकड़ने के लिए आए हुए हैं, यानी माहीगीर जिसे बोलते हैं हम। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि नीचे चलकर इनके करीब से वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं नीचे वाले फ्लोर पे चला गया, हम ऊपर थे। सो फ्रेंड्स क्योंकि ये करीब से पकड़ते हैं, यहाँ रेस्टोरेंट के करीब करीब ज़्यादा फिशेज होती हैं क्योंकि लोग अपना खाना खाते हैं और साथ में कुछ चीज़ें फिशेज़ की तरफ भी फेंकते रहते हैं, तो यहाँ फिश वगैरह ज़्यादा होती हैं। इस वजह से यहाँ अपना जाल फेंक कर ये फिशेज़ वगैरह पकड़ते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। एक तो दिसंबर है, सर्दी है, तो फिशेज़ की काफ़ी मार्केट है। सो फ्रेंड्स मैंने सोचा आपको भी दिखा लूँ। तो फाइनली डिनर कर लिया और कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए यहाँ, ये इनका सामने किचन है, बहुत ज़बरदस्त किचन है इनका। और इनकी जो सबसे अच्छी चीज़, वेटर काफ़ी अच्छे हैं इनके और खाना भी बहुत ज़बरदस्त था, डिलीशियस। तो फ्रेंड्स ज़बरदस्त जगह है, आप आ सकते हैं ज़रूर यहाँ। तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो की जो सबसे अच्छा शॉट मुझे लगा वो ये कुछ परिंदे थे, मुझे नाम नहीं पता, ये समंदर के ऊपर होते हैं मोस्टली। और ये अब जब खाना खा रहे हो, डिनर कर रहे हो, रात का टाइम हो और ये आपके पास उड़ रहे हो, बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है, आप देख सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं इसको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये व्यू, आपको अच्छा लगा या नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर इन परिंदों का नाम आपको आता है तो आप कमेंट में ज़रूर इनका नाम मुझे बताएं कि ये जो वाइट परिंदे हैं जो ये मोस्टली समंदर के ऊपर उड़ते हैं और फिशेस वगैरह खाते हैं, इनका नाम क्या होता है। तो यहाँ आपके भाई ने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई हैं, पिक्चर्स भी अटैच कर दूँगा और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि पिक्चर्स कैसी थी। तो फ्रेंड्स अपना व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं कि आगे क्या सीन है। तो पार्टी चाय भी पी ली और बिल भी काफ़ी बन गया था, सो बिल पे किया हमने और यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट होता है। उससे पहले मैंने एक शॉट लिया, यहाँ बहुत ज़बरदस्त व्यू था ये। तो मैं जाते जाते आपको परिंदों की बात कर रहा था, वो दिखा दूँ मैंने सोचा। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा व्लॉग रहा ये, काफ़ी अच्छा सफ़र था और काफ़ी अच्छी जगह थी। आप लास्ट में जो बर्ड्स की बात कर रहा था, वाइट बर्ड्स की, वो देख लें। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है वापसी का सफ़र, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा रहा हमारा व्लॉग और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है कलाची और जो जगह है, जो व्यू है, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जा सकते हैं। इसकी डिशेस भी काफ़ी डिलीशियस हैं, अच्छी डिशेस हैं और ज़बरदस्त, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है।
एक्सपेंसिव है, लेकिन आप लोग जा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ये ब्लॉग पसंद आता है और आप लोग और ब्लॉग के बारे में मुझे राय देते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट्स में। जो हमारा प्रीवियस ब्लॉग था उसमें काफ़ी आप लोगों का प्यार मिला, इसी वजह से दूसरा ब्लॉग बनाया हमने। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इसको भी आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।